हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी औलाद भी जग गई है। बाप बेटे ना 8 बजे उठे हैं गाइज, मैं जब से उठ के, और इतने बड़े बड़े आपको क्या ही बताऊँ। अगर किसी का पति ना दिल्ली पुलिस में जॉब करता होगा, उसकी यूनिफॉर्म के जो मतलब कोट होता है ना सर्दी का, इतने भारी है गाइज, क्या ही बताऊँ आपको, इतना भारी है ना। मैंने आज 4 कोट धोए उनके, सरकारी कोट, मतलब अब सर्दी तो जा चुकी थी और हम गांव चले गए थे तो अभी धोना हुआ है। तो 4 कोटों में मुझे एक से डेढ़ घंटा लगा, और इतना भारी कि मेरे में भी वजन नहीं है, इतना वजन उनके अंदर था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैंने 4, अब सुखाएंगे तो इसके पापा ही, मैं नहीं सुखाऊँ भाई, इतने बड़े बड़े होते हैं ना ये सरकारी। तो अब मैं बाप बेटी को दिखाती हूँ, ये देखो। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चा, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करो जो 8 बज गए, मैंने इतने मोटे मोटे भारी भारी कोट मैं थोड़ी ना पहनती हूँ, आप पहनते हो, खड़े हो, मुझे पापा जी खड़े हो जाओ। ये बताओ ना, जो आपके सरकारी कोट है ना, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर नहीं देख, ये तकिया लगा के, मेरे में भी वजन नहीं है, इतना वजन है उनमें, पता है, 4 कोट धोए मैंने, हैं? निचड़ गए वो तो। अब चलो सुखवा के आओ, और ऊपर चलते चाय पी के आएंगे, बच्चों को भी ले चलते हैं, बच्चे पार्टी चलोगे छत पे, सुबह सुबह की धुप्पी रुप्पी लेके आएंगे, विटामिन डी, ओके। अरे पापा मार दे, छुबे नहीं हुई, देखो क्या हुआ, मुझे ना ऐसा लग रहा है ना, अभी ना रात हो गई, सुबह की रात हो गई। तो गाइस जी देखो कितना मोटा मोटा घी आ गया, देखो मिंटू, खड़खड़ की आवाज कहाँ से आ रही है, खड़खड़ की आवाज कहाँ से आ रही है, तेरी बेटी कर रही होगी कुछ कुछ, वो चाय टाइम बताना है। हाँ, ये बिटिया रानी चाय बना रही है, आज एक चाय सुबह, क्या टाइम हो रहा है बेटा, अरे बिटिया रानी 5 बजते ही चाय बनाने लग जाती है, तो 5 ही बना चाहिए। थैंक यू बेटा। तो गाइज दोनों बेटियां ऐसे छुपन छुपाई का खेल खेल रही है, तो इधर पापा हेल्प कर रहे हैं, आना नहीं है, अब ऐसे अगर इसके साथ खेले तो अच्छा लगता है ना, दोनों लड़ाई लड़ाई करती हो तो फिर, अरे डुगु नंगू बैठा है क्या, नहीं देखो चड्डी पहन रखा, अच्छा आज मैं भी बैठी हुई हूँ अभी, और शाम का टाइम हो गया, ईशु ने चाय बना के पिला दी थी 5 बजे, तो हमने चाय वाय पी ली, उसके बाद में दोनों बच्चे खेल रहे हैं और साथ में पापा की हेल्प ले रहे हैं दोनों, मतलब है ना इसके ईशु के पापा, ईशु ईशु पापा चीटिंग करते हैं ना आपके साथ में, यार पापा ने मुझे ना जब मैं खांसी थी ना पापा को पता चल गया, और मुझे ना डुगू ने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि पापा है ना उंगलियों से इशारा करते हैं डुगू की तरफ, और डुगू इतनी गंदी है ना, खतरनाक वाली, एक इशारे में समझ जाती है, देख उसमें सर्दी के कपड़े भर रखे हैं बेटा, उसको अंदर रखूंगी, अब गिर जाएगी, चल मेरा घोड़ा, डुगू तूने क्या करा था, जब डुगू बताना क्या करा था, ईशा नहीं बेटा अभी मैंने धोया है कम्बल को। तो आज मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आज क्या सब्जी क्या खाना, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, मतलब सब्जी भी कल लेके आई हूँ लेकिन मन नहीं है कि कौन सी सब्जी बनाऊं, क्योंकि ईशु खाती नहीं है, और
तो गाइस अभी है ना हम जाएंगे मार्केट में, क्योंकि मेरे कुछ चीजें हैं जो काका चले गए थे ना उसे पहले की लाई हुई थी, तो उनको चेंजिंग करवानी है दोबारा, छुट्टी रह गई थी। पर इसमें पापा मेरी सुन नहीं रहे। तो गाइस अभी हम मार्केट में जाके अभी कुछ कंटेंट है वो बनाएंगे, उसके बाद कल मार्केट के बारे में सोचेंगे। तो तो गाइज मेरे घर पे आए हैं अंकल आंटी जी, तो मैं डाल रही हूँ स्लाइस। तो अभी अंकल आंटी से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। अंकल जी वजन अच्छा गाते हैं, हम दोनों पूरा सुनते हैं। जब जिस दिन मन करता है ना उस दिन पूरा सुनती हूँ। एक होता है ना कि अंकल की खुद की आवाज इतनी अच्छे से क्लियर आती रहती है। कर दो इनका भी ना सब्सक्राइब, कर दो है। हम देखते हैं इनके कभी कभी जब इनका आता है ना। क्या नाम से अंकल जी आपका वो चैनल? माटी शरम। तो गाइज आपको है ना ऐसे भजन वगैरह सुनना है कोई भी, अगर भगवान की जैसे होता है ना कि मन ऐसे होता है कि भगवान के भजन हम सुने, तो हमारे अंकल जी की बहुत अच्छे अच्छे भजन है। इनके यूट्यूब चैनल है, तो अंकल जी आईडी बताएंगे इनकी। अंकल जी क्या चैनल, क्या नाम है चैनल का? मातृ शरणम। मातृ शरणम के नाम से है। MATRISHARANAM। मातृ शरणम। तो आप एक बार सुनना इनके भजन, बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत सुनते हैं ना, और आप भी सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक बार सुन लोगे तो आप बार बार भी सुनोगे इतने। और हमारी सोसाइटी में कभी फंक्शन होता है कोई भी बात कभी भी जैसे किसी के घर में, तो अंकल जी जरूर भजन भी वहाँ पे भी बोलते हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। तो गाइस सुनाओ, देखो मम्मा ने पूरी दुकान खोल दी है ना। अगर मैं आपको आपको लग रहा होगा ना मम्मा ने क्यों दुकान खोली, खाए दुकान ना। तो गाइस ना इस वाले रैक में देखो, देखो पूरा बिस्किट का पहाड़ बन गया है। पूरा फुल भर चुका मम्मा, तो मैं सारा बिस्किट कहती हो मम्मा बिस्किट खत्म हो गए, मम्मा बिस्किट खत्म हो गए, तो मम्मा ने ला के इकट्ठे रख दिए। अब बोलना मम्मा बिस्किट खत्म हो गए। इसमें तो ये वाला जो बिस्किट है ना वो ना 100 साल लोग तक ना बिल्कुल खत्म नहीं होगी। अरे बेटा हो जाएंगे। गाइस अभी ना मैंने ना क्या खाया था ये देखो, इसमें ना मैंने ना नमकीन खाई थी, चाच और नमकीन डाल के ना बहुत टेस्टी लगती है। अपना गाइस ना इसको ट्राई करना कि ना अपने नम मैं बताऊँ, ट्राई करना ऐसे करना गाइस, इसमें ऐसे खाती है थोड़ा दूर। सबसे पहले इसमें नमकीन डालना है ऐसे, ज्यादा भी नहीं खाते बेटा। फिर इसके अंदर डालते हैं हम, मतलब हमारे पास दही खत्म हो गया गाइस, लेकिन छाछ भी डाल सकते हैं। दही खत्म हो गया तो हमने डाल ली इसके अंदर छाछ। अभी तो वो भी मांगी थी बेटा, देखो मुझे भी टेस्ट कर लो। हाँ अच्छी है ना, अच्छी लगती है ना। कोई नहीं खा लो, थोड़ी सी नमकीन दे दो, ये और डालो इसमें नमकीन। जब भी जो अंकल आंटी आए थे वो मेरी सोसाइटी में से ही थे, मतलब उनका हमारा फोर्थ फ्लोर है, उनका फर्स्ट ही है, अपर वाले अंकल आंटी थे।